पावन अपनी हाथी से कृष्णाय वास्तवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कलशानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंद जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा शरण कमनी मेरी देवियों बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों आओ अपने मन को एकाग्र करें। मौसम भी कुछ अजीब सा है, आइएगा थोड़ी देर के लिए ही सही महाराज जी की वाणी को श्रवण करें। प्रसंग चला हुआ था बुरी सोबत का, कोई शक नहीं संग लग करिए कुसंग लग मरिए। मेरे प्रभु आपको पूरी शक्ति दे रहे गए कुसंगत से बचने का। हमने ये भी भली प्रकार विचार ले लिया और नारद जी की सूझबूझ का पूरा फायदा उठाया कि संग बुद्धि के कोई इरादे से शुरू होता है, फिर मन में अशुभ विचार अशुभ क्रियाएं तन में, फिर आगे क्या क्या नहीं हो जाता ये आगे नारद जी ने बताया। इसी से काम फिर क्रोध फिर मोह फिर लोभ फिर आगे बुद्धि का नाश और बुद्धि से सर्वनाश हो जाता। आज वो अगले सूत्र यानी 45 सूत्र में कहना चाहती हैं तरंगायता अपि में संगात सम समुद्रायंती। क्या खसब ढा रही है। पहले कुसंग तरंग की तरह लहर की तरह होता है, बाद में समुद्र की शक्ल ले लेता। देखना ये इनका अपना दृष्टांत है, बहुत कमाल का दृष्टांत। पहले बातें छोटी छोटी प्रतीत होती हैं, जब भी गंदी आदत पड़ती है छोटे से ही, अगर भगवान वो आदत न छुड़ाए या कुसंग न छूटे तो फिर वो ही बढ़ जाती है। सिगरेट पीने की आदत, शराब की आदत, झूठ बोलने की आदत, कपट खेलने की आदत, ये सब जितनी भी कुसंग है, सिनेमा जाने की आदत और भी बारी जो है धक्के खाने की आदत, आवारा गर्दी की आदत पहले थोड़ी सी होती है, धीरे करके नारी कहती है ये समुद्र की शक्ल ले लेती है, पहले तरंग की तरह और बाद में समुद्र की शक्ल ले लेती। मेरे प्रभु आप पर बड़ी कृपा कर रहे हैं मेरी देवियों, उन्होंने ये जोरदार चेतावनी दे दी है कि आप कुसंग से बच के रहना। थोड़ी सी जी ज्यादा शक्ल ले लेती है। आगे बढ़ेंगे, बस प्रभु से प्रार्थना करते रह करो, मैं और इस पर कोई व्याख्या नहीं कर सकता। वही विशेष कृपा करेंगे आप पर तभी आप छूट सकेंगे। चारों ओर आजकल का वातावरण विषैला है, दूषित है और अपवित्रता से भरा हुआ है। मेरे प्रभु कृपा करेंगे आपको बचाई रखेंगे। आगे 46वां सूत्र, कातरती मायाम या संगाम त्यजती या महानुभावम सेवते निर्ममा भवती। सुंदर, कौन तरेगा इस संसार से। कितना उत्साह भरा है और शब्द कैसे चुने हैं नारद जी ने। कहा तरती मायाम, कौन तरेगा इस विचित्र और अनोखे संसार से।
ध्यान देना मेरे देवियों, जवाब देती हैं या संगाम चैती, जो बुरी सोबत को सदा के लिए छोड़ देगा, महापुरुषों का संग करेगा और निर्मोही हो जाएगा। तीन इसमें गुण बताए गए और विचार करें, जो बुरी सोबत को छोड़ देगा, इस पर आपको विचार दिया गया, आपने इस पर विचार किया, मेरे प्रभु शक्ति देंगे। जो बुरी सोबत को छोड़ देगा, बुरी सोबत चारों ओर से देखना है कि मैंने बुरी किताबें भी नहीं पढ़नी, बुरी चीजें अशुभ चीजें वही होती है जो जीव के मन को बार मुखी कर दे। यदि हमारा मन कंचन कामनी कीर्ति का चिंतन करने लग गया है, समझिए मेरे दिन बुरे आ गए। यदि हमारा मन विवेक वैराग और भगवान का चिंतन करने लगे, समझिए मेरे प्रभु की मेरे पर पूरी कृपा हो रही है। अब कहती जब उन्होंने जोरदार कहा, कौन तरेगा माया से, जवाब दीजिए, बुरी संगत को हमेशा के लिए छोड़ देगा। उसके बाद फौरन कहती है, क्या महापुरुषों का संग करेगा। इसके विषय में मैं आपसे कहूंगा, आप गीता जी का संग कीजिए। महापुरुषों का संग आजकल होना बिल्कुल ही असंभव हो चुका है, बिल्कुल असंभव। और फिर पता भी नहीं लगेगा कि महापुरुष कौन है, किसकी वृत्ति मालिक तक पहुंच गई, किसने अंदर बिल्कुल निर्मल करके अपने आप को तलीन कर दिया। इतने में तो आयु गुजर जाएगी आजमाते आजमाते। इसलिए भगवान ने 16वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा, फकत शास्त्र को बना रहनुमा, अपने शास्त्र के अनुसार जुटे रहिए। जैसे मैं समझा रहा हूं गीता जी को, आपको बता रहा हूं, पूरी कोशिश कीजिए कि जैसे मेरे भगवान आदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, मैं उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को बना लूं। भगवान ने आपको हर सुबह हर शाम का इतनी छोटी गीता जी का सत्संग प्रदान किया हुआ है। भगवान करे मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, आपको अपनाने का पूरा पूरा शौक हो जाए कि मैंने अपनाना गए रंग लाना, छोड़ गए सो बोड़ गए, अपना गए रंग ला गए। जो महाराज जी की वाणी को नहीं परवाह करते, भगवान ने खुद कहा है, ये दुनिया है उसकी ना अगला जहां, वो बेचारा दोनों जहां से मारा जाता है। आपको बड़ा शौक है अपने कल्याण का, भगवान करे मेरे देवी ये शौक बढ़ता रहे और आपके मन में ये उमंग भरती रहे कि मैंने अपना कल्याण कर जाना है, इस जन्म में तो कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैंने अपना कल्याण करना ही है। सत्संग का यही लाभ होता है कि हमें सत्य अर्थात परमात्मा संग मैंने मिलाप हमें परमात्मा का मिलाप देता रहता है, हम परमात्मा के संग दिन प्रतिदिन मिलती रहती है। सत्संग का यही लाभ होता है मेरी देवियों, परमात्मा का मिलाप अर्थात हमारा मन परमात्मा का चिंतन करते हुए अंतर्मुखी होता है, सत्संग का लाभ यही है। सत्य इस दुनिया में केवल ये सत्संग नहीं जो मैं और आप बैठे हैं बोलते, इसको भी सत्संग, और शब्द कोई नहीं, इसके द्वारा परमात्मा का मिलाप होता है। ये साधन है भगवान की जात में एक में को जाने के लिए, वरना ये सत्संग नहीं कि मैं आ गया और आप आ गए, ये बेंच है और आप बैठ गए हैं, नहीं, ये जो ज्ञान दिया जा रहा है इस ज्ञान के द्वारा हम बालक की जात में तलीन हो जाते हैं। ये एक साधन बेटी, ये साधन है, ये पूर्व रूपेण ये कुछ भी नहीं है। जैसे हम कच्चा राशन ले आते हैं बाजार में, तो कच्चा राशन सब कुछ नहीं, अब घर में पकाना पड़ेगा तब जाकर के हम उसका ग्रहण करेंगे और भूख मिटेगी, बिल्कुल ठीक। इस तरह ये कच्ची बातें होती है, इसको श्रवण करके अपनाना होता है कि अब मैंने जीवन में ढाल लेना। शाबाश, जरिया यही होता है सत्संग का। कौन तरेगा, पहले कहा जो बुरी संगत को छोड़ देगा, सत्संग में अटेंड करेगा, तीसरा क्या कह रही है नारद जी, निर्मोही हो जाएगा। आप लोग ये सुनकर के बड़े हैरान होते हैं,
शब निर्मोही न लो, शब तो ममता है। ममता होता है मोह। मोह क्या होता है? मोह को मैं आजकल समझा दूं, स्टिकर, जैसे आजकल स्टिकर मिलती है, जहां भी आप रखोगे वो जम जाएगा, जहां भी आप लगाओगे मेरे सजनों वो लग जाएगा। स्टिक से बनता है स्टिकर, स्टिक है वर्ब और नाउन बन जाता है उसका स्टिकर। जी तो ममता क्या होती है? मेरे गुरुदेव ने मुझे समझाया था, ममता भगवान की चीज को गलती से या अज्ञानता से अपनी मान लेना। हाँ, ये बड़े प्यारे शब्द लगे महाराज जी के। शरीर भी काया भी हमारी नहीं, भगवान ने बनाई है, भगवान ही इसे चला रही है। अपनी आत्मा रखी है प्रभु ने इसके अंदर, अपनी शक्ति रखी है, चलाई जा रही है। जब आखिर में वो कहेगा फला मर गया तो मतलब ये आत्मा भगवान निकाल लेती है। अब आत्मा डाली हुई है, फिर आत्मा निकाल लेंगे। हम कभी नहीं कहते बिजली किसी पॉइंट को कि फलाना पंखा मर गया, पंखा मर गया नहीं, पंखे में से बिजली की करंट चली गई, इस तरह भगवान की करंट चली जाएगी, शरीर को छोड़ जाएगी। आपको अगर फलानी मर गई तो फलाना मर गया, मरे हो तो शरीर हमेशा, ये हमेशा याद रखना, शरीर हमारे हमेशा मरे हुए है। पर अब ये शब्द सुनकर हमें हैरानगी होती है, चूंकि चलता फिरता उठता बैठता सारे कार्य करता है, लेकिन ये नहीं सोचते किसके कारण से, कौन इसको छोड़ जाएगा और ये लक से कक का हो जाएगा, लक से कक का। और सबकी जबान में होगा उठाओ उठाओ उठाओ, ले जाओ ले जाओ, चाहे पिताजी हो, चाहे कितनी हमारे नजदीक के रिश्ते हो, माता जी हो, चाहे कितनी नियरेस्ट और डियरेस्ट क्यों ना हो। इस तरह अगर आप विचार करेंगे, मैं मुझे पूरी उम्मीद है ममता कम होती जाएगी। शरीर किस कारण से? परमात्मा की शक्ति से। परमात्मा की शक्ति को हम हिंदू लोग आत्मा कहती है, हम अपने धर्म के अनुसार आत्मा बोलते हैं। ओ मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकारी देवियों, बार बार आप विचार करो, जिसके साथ हमारा जबरदस्त मोह है, सबसे पहले तो अपनी काया के साथ होता है। काया आगे होती है माया, माया मैंने जैसा माँ बाप बहन भाई धन दौलत मकान इत्यादि, ये एक ही शब्द में सब कुछ आ गया माया। तो काया प्लस माया, इसी में जीव बुरी तरह जकड़ा पड़ा है। तो क्यों ना बार बार पक्का करें सच्चाई कि ये भगवान की है, मेरी नहीं है, भगवान की अमानत है, मेरे प्रभु की अमानत है, मैंने मांगी है, मेरे वाले ने मुझे दी है। ये बार बार पक्का कीजिए मेरे सजनों, मैंने मांगी, मेरे मालिक ने मुझे दी, ये मेरे प्रभु की अमानत है, मांगो मेरे, ऐसा बार बार कहो, मन पे पूरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपने सतोगुण दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, सतोगुण के सतोगुण की बढ़ोतरी का पूरा लाभ उठाइएगा। अब नारद स्पष्ट कह रहे, कौन माया से तर जाएगा? जो निर्मोही बन जाएगा। निर्मोही का मतलब ये नहीं कि काया का प्रयोग नहीं करना या माँ बाप बहन भाई का प्रयोग करना है, अपनी समझ के नहीं, भगवान की समझ के। ये तो मेरे मालिक ने मुझे प्रदान की है, ये तो मेरे प्रभु की देन है, आज भी ले ले कल भी ले ले जब मर्जी ले ले, चीज उनकी है। फिर ममता नहीं होगी, आप प्रयोग करेंगे। प्रयोग करने का अधिकार तो भगवान ने हमें दिया है, लेकिन गलती से हमें ज्ञान नहीं मिला, माँ बाप ने कोई विचार नहीं दिया, इधर कोई भक्ति का पाठ नहीं पढ़ाया गया, इसलिए हमने अपनी छाप लगा ली कि ये मेरी है। उसी दिन से इंसान की गिरावट शुरू हो जाती है मेरे सजनों देवियों, जब भगवान की चीजों को अपनी मानने लगता है। इसे दूसरे शब्दों में हम क्या बोलते हैं, अमानत में खयानत है। तो भगवान की अमानत पर हमने गम खराब कर लिया। अब हम सत्संग में आकर भगवान जी की इतनी कल्याणकारिणी मधुर वाणी के श्रवण करते हुए फौरन समझ जाए कि ये तो आज भी गई कल भी गई, भगवान जी आपसे छीन तो नहीं रहे, काया आपके पास और सारे प्राणी पदार्थ आपके पास, सिर्फ विचारों में दृष्टिकोण में तब्दीली लानी, मेरी नहीं है, मेरे भगवान की। शाबाश, सिर्फ विचारों में बदल जाना है, कर लो मेरी देवियों, इससे क्या होगा, वासना खत्म हो जाएगी। जब तक ममता नहीं जाती, कामना नहीं जाती, वासना नहीं जाती, और खास करके जो इस मार्ग में जबरदस्त रुकावट राग और द्वेष, ये नहीं जाएगा। ये तब भी जाता है जब जीव कोई निर्मोही हो जाता है, निर्मोही का मन संकल्प विकल्प से खाली हो जाता है। आप आजमा रहे हो, भगवान आपको और आजमाने का मौका दे। ओ मेरे सजनों, मेरे धार्मिक,
उन्नति चाहने वाले भाइयों, कल्याण चाहने वाले भाइयों, कल्याण चाहने वाले को जिज्ञासु बोलती है। अच्छा, आप में जिज्ञासा है कि हम कल्याण कर जाए तो ये हमारे लिए बड़ी बाधा है। और इसी आधार पर सारी सृष्टि ये प्रकृति चला रही है, माया के आधार पर। छुटुड़ी अणु परमाणु सब देख लो माया के आधार पर चल रही है, ममता के आधार पर सारी चल रही है। और हम चूंकि अपना कल्याण चाहती है, जरूरी हो जाता है क्या भगवान छीन तो नहीं ले रहे, मैं बार बार कहता जा रहा हूं, कोई प्राणी पदार्थ छीन रहे हैं, काया छीन रहे हैं? नहीं, जितनी आयु है उतनी तो हमने भोगनी है। लेकिन ये कह रहे विचारों बदलो, मेरे नहीं, मेरे भगवान की है, ये मेरे माता पिता, मेरी बहन भाई, ये मेरी पति पत्नी, ये मेरी बेटी बेटी, ये मेरी भगवान की है, भगवान ने मुझे दी है। जब भगवान लेना चाहेंगे, मैं लाख पड़ा कोशिश करूं मूर्खता से, भगवान जी छोड़ेंगे नहीं, भगवान जी जरूर ले लेंगे, ऐसा समझाओ। मैं लाख पड़ा कोशिश करूं, ये चीजें मुझे नहीं रहने देंगे, कोई मुझे रखने नहीं देगा। फिर समझाइए मनवा, तो बड़ी कोशिश करना ये चीज मेरे पास रह जाए, नहीं रहेंगी, नहीं रहेंगी, नहीं रहेंगी, ये चीजें छूट जाएंगी। कितनी बार आपने, कई बार कोशिश की, चाची आपकी रही, हाय, या चाचा जी रहे, या पिताजी रहे, या भी माँ जी शरीर छोड़ गई है, रही, कितनी कोशिश की गई, कभी डॉक्टर साहब इतनी कीमती टीका आधा भर चुके थे, आधा भरना था, मां की पुतरियां बदल गई, चिल्ला उठे डॉक्टर साहब की सिरिंज वहीं थी, वहीं रह गई, क्या हुआ? वो देखिए डॉक्टर साहब, ओह देख लीजिए, कोई कर सका कुछ? बोला डॉक्टर साहब ने क्या कहा था, शर्मिंदा हुए डॉक्टर साहब, बस इस टीके के जाने की देर है, और इन्होंने, तेरी मां ने, अब उठ खड़ा होना है, उठ खड़ा होना है। डॉक्टरों को ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। डॉक्टर साहब आप क्या कहती थी, टीका जो अंदर नहीं गया, हो ही नहीं सकता, दिन मुकर्रर है, हर एक के दिन निश्चित है, पहले बनी प्रारब्ध। जब ये सारी बातें आपके आंखों के सामने गए, क्यों ना अपने मन को हम समझा ले, ये सब प्राणी पदार्थ मेरे भगवान के, वो नेक जीवो ममता नहीं जानी जब तक के हम अपनी मानते रहे, और अपनी मानते रहे तो मन में विक्षेपता रहेगी, मन में हलचल रहेगी। और ये मार्ग किसके लिए गए, मार्ग उनके लिए गए, न जीते की शादी न हारे का सोग, दिल के तवाजन का है नाम योग। ये मार्ग दिल की तवाजन का है, दिल की संतुलन का है, दिल के बैलेंस ऑफ माइंड का है। इस मार्ग में वो इंसाफ कर लेती है, ये कर जाती है जिनके मन का संतुलन बना रहता है। लेकिन ममता इस संतुलन को बुरी तरह झकझोर देती है, जैसे तूफान वृक्षों के साथ बुरी अटकेलियां करते हैं और बुरी तरह झकझोर देती है। ममता बड़ी बात है मेरी देवियों, आप लोगों को ये शब्द बड़ी हैरानगी में डाल देती है, पर इसके बिना चारा नहीं दे। आपको बड़ी गलती होती है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, भगवान ने छीनने थोड़े, वो तो जब जाएंगे, जब इनकी आयु खत्म हो गई, सिर्फ अब हमने करने के विचारों में तब्दीली, मेरे नहीं भगवान के हैं, लो इतना ही, मेरे नहीं भगवान के हैं। 50 साल के बाद तो वैसे ही कहा जाता, हर चीज अपनी ना मानो। 50 साल बाद क्या करना चाहिए? गीता के कृष्ण कहते हैं, सुकेड़े अब हर चाय से अपने हवास, अब चारों ओर से अपने मन और इंद्रियों खींच लेता, जो ही 50 में पैर गया बस सब चीजें। तो पहले क्यों ना आदमी प्रैक्टिस करे, है ही भगवान के। जब उस समय मैं लाख पड़ा कोशिश करूं, कोई वस्तु मेरे पास नहीं रहनी, तो मैं अभी क्यों ना पक्का कर लूं, तब आपका मन टिक जाएगा, तब आपका मन ठहर जाएगा। इसलिए ममता का छोड़ना जरूरी ना अनिवार्य ना गजीर है आप लोगों के लिए, जिन्होंने बहुत उन्नति कर जानी है, जिन्होंने इसी जन्म में कल्याण करना, उनको भगवान की कसम, हाय मैं क्या कह रहा हूं, उनको निर्मोही बन जाना चाहिए। जो चाहती है, मैं स्पष्ट शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं और बहुत सफाई गोई से काम ले रहा हूं,
जो नहीं आवागमन के चक्कर में आना चाहते, जो माँ के गर्भ में नहीं गिरना चाहते, उनको लाजमी तौर पर कोई भी तरीका अख्तियार करते हुए निर्मोही बन जाना चाहिए। मन चारों ओर से हट के एक ही जगह अपनी शक्ति को पकड़ लेगा। मन की काफी शक्ति ममता के पदार्थों में जा रही है, काफी संकल्प विकल्प हमारे इन्हीं में जा रहे हैं। ओ नेक जीवो, ममता को सुनकर मोह को सुनकर आप शाम की फुंकार न माना करें। ये अमृत की धारे गए, शाम की फुंकारे नहीं। ये हमारे सबके लिए जो हम कल्याण कामी है जरूरी होता है, जिसने अपना परलोक बनाना गए जरूरी है। ओ देवियों, जिसने ससुराल में जाना गए जरूरी गए। माँ बाप बहन भाई और अपनी भाभियों का मोह छोड़ना पड़ेगा, छोड़ के जाना ही पड़ेगा मेरे बेटे। आपको ये पक्का करेगा तभी तो ससुराल में जाएंगे आप। ये चारों ओर से आवाज सहेलियों की सुननी पड़ेगी, आखिर जाना पड़ा। चाहे रो रो के सुन लो, आखिर जाना पड़ा। कहां ये सब बसता हुआ घर छोड़ के, कि नहीं, चारों ओर सहेलियां कहती रहेगी आखिर जाना पड़ा। छोड़ बाबल का घर और अपने पीर के नगर, आकर जाना पड़ा। पर सब कुछ छोड़ छोड़ा के ना, इस तरह आप जैसे नेक जीव जिन्होंने मेरे मालिक की जात में समा जाना गए, उनको यह पक्का करना होगा आखिर निर्मोही बनना ही पड़ा। क्योंकि मन कैसे एकाग्र होगा, मन कैसे महाराज जी में सेंट्रलाइज होगा। हाय, इसलिए समझा लो, सब कुछ आपके पास रहना, कोई भगवान ने छीनना नहीं। भगवान ने बड़े प्रेम से आपको दिया है, सिर्फ विचारों में परिवर्तन आ जाएगा कि ये मेरे क्या है, ये मेरी भगवान के है। तो क्या होगा, आप अगर यही बैठे बैठे मान जाए, आपके मन में एक विशेष प्रकार का उल्लास, मेरे पास एक ही शब्द है, उल्लास अनुभव होगा। बेटे डबर ला, उल्लास, बड़ी प्रसन्नता, बड़ी मस्ती शुरू हो जाती है जब हम इन प्राणी पदार्थों से मन हटा लेते हैं। एक विशेष प्रकार का उल्लास, फिर भी न समझ आए तो हर्षो उल्लास, हर्ष ओ उल्लास, इतना मन में आ जाता है जब। तो ये माँ मेरे हमारे पास, पिताजी हमारे पास, पत्नी हमारे पास, लेकिन क्या एक ममता नहीं इनके साथ रहेगी। सब कुछ हमारे पास लेकिन नहीं है पास ये ममता, ममता गई। परमात्मा आपका भला करे, मेरे प्रभु आपका भला करे। आप ग्रस्त आश्रम में अनेक प्राणी पदार्थों के साथ आप अवस्था गए, जबकि बोलने वाला एकला गए, इसलिए आपको बड़ी हैरानगी होती है। लेकिन इसके बिना कोई चारा भी तो नहीं, आप अपना कल्याण चाहती हैं, इसके बिना कोई चारा नहीं। चूंकि वृत्ति फिर वो कैसी होगी, आखिर में मैं हूं या आप, वृत्ति तो ऐसी बननी है, ख्याल उसके वश में तो मन मैं नहीं, अगर स्टेशन तो आखिरी यही है तो कैसे बनेगा जब तक मन चारों ओर से हटा हुआ ना हो। ये कैसी अवस्था बनाओगे, ख्याल उसके वश में तो मन मैं वे सब, निर्मोही के चारों ओर से ख्याल वश में जाते हैं। परमात्मा करे ऐसा ही हो, आप भले घर में रहे लेकिन निर्मोही बन के अपना कर्तव्य कर्म करें, मन फंसा के नहीं, मन सुलझा के, मन उलझा के नहीं, मन सुलझा के। बाबा फिर कहे, मन उलझा के नहीं, मन सुलझा के। तब भगवान की ये शर्त पूरी होती है मेरे सजनों। ओ देवियों, तन काम में, वरना कैसी शर्त पूरी करोगे अपने इष्ट देव की, मन ध्यान में। जिनके मन निर्मोही गए वही भगवान का चिंतन करते रहते हैं। तन द्वारा अपने जरूरी जरूरी फराइज है, जिनको हम कर्तव्य कर्म कहेंगे मेरी माताओं देवियों, वो हम करते रहेंगे। कर्तव्य कर्म से आप पीछे नहीं हटते,
कर्तव्य क्रम डट के करेंगे, बड़े उत्साह से करेंगे, लेकिन अब हम उलझेंगे नहीं इनके साथ, फंसेंगे नहीं इनके साथ, बिल्कुल अलग थलग होकर रहेंगे, बिल्कुल अलग थलग रहेंगे, अर्थ पूरे देंगे। किसने कहा था, द्वेष लिखना तो कैसे लिखा जाता है, दाग के पैरों में वा डालो, दाग के पैरों के नीचे, लेकिन राम लिखना सीधा है, रा आ की मात्रा और मा, अर्थ पूरे दे रहा है और कोई भी अक्षर एक दूसरे में घुसड़ा हुआ नहीं। हृदय लिखना हो तो हाथ पेट में रा डालो, हाँ मैंने कहा द्वेष लिखना तो दाग के नीचे वा डालो। कई अक्षर ऐसी हैं जो अक्षरों में अक्षर मिल करके शब्द बनते हैं, अक्षरों में अक्षर मिलके शब्द बनते हैं, समझे। और कई हमारे अक्षर ऐसी हैं जो बिल्कुल अलग अलग ढंग मिलेगा, राम कोई अक्षर एक अक्षर में लगा हुआ नहीं, अर्थ पूरे दे रहा है। इसलिए राम भगवान के प्यारे बिल्कुल अलग थलग घर में रहते हैं, राम की तरह कहीं उलझे हुए नहीं होते, हाय हाय कहीं भी फंसे हुए नहीं है। परमात्मा करे ऐसा ही हो, और इसके बिना मेरी बेटी चाह रही नहीं। अगर आप निर्वोही नहीं बनेंगे, वासनाएं कामनाएं इच्छाएं राग द्वेष का अड्डा बना रहेगा, कौन आपका अंतःकरण। जैसे तितलियों का छत्ता होता है, वो पीले 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 रंग के भिंडे होती है, भिंडे जो काट देती है, या शहद की मक्खियां होती है, कितना बड़ा छत्ता होता है शहद की मक्खियों का। इस तरह हमारा अंतःकरण गंदी वृत्तियों का अड्डा बना रहेगा जब तक हमारे में ममता रहेगी। इसलिए हर एक महापुरुष को और विशेषकर गीता को कहना पड़ा, ये चीज मेरी मेरे हवाले कर दो। भगवान ने ये बहुत बढ़िया तरीका बताया, काया भी हमारी नहीं, पांच तत्वों से बना है, पांच तत्व भगवान के आग पानी हवा मिट्टी और आकाश, और फिर आत्मा अंदर शक्ति चला रही है वही भगवान की। कभी आपके बैठ सकते मेरी मनवा किस बलबूते तत्व पानी, इस आधार पर तो कहते हैं ये शरीर मेरा है। इसके मटेरियल देखे तो भगवान का, जो इसकी सामग्री जिससे ये बना है वो पांच तत्व भगवान के, और जो शक्ति चला रही है आत्मा वो भी भगवान की, तो किस तरीके से कहेंगे मेरा। बाप बेटी का मुकदमा चला पटियाला में, पिता सुना रहे थे उनके, बेटा कहता ये कारखाना मेरा है, बाप कहते बहुत अच्छी बात है तो कारखाना मेरा, लेकिन देना नहीं चाहते अपने बेटे को, क्योंकि दो बेटे थे। तो जज के सामने गए, बाप ने कोई वकील नहीं किया, बेटे ने दो वकील कर रखे। अब जब आपका वकील, मैं खुद ही वकील हूं, ये मेरा सगा बेटा है और मैं इसका सगा बाप हूं। अच्छा, हैरानगी की बात और शर्म की बात यह है कि ऐसा गंदा समय आ गया कि एक बेटा बाप पर मुकदमा कर रहा। पता नहीं जज साहब अगले दिन कैसे आ रहे हैं। ये कहता है ये मेरा है, मैं इससे यही कहता हूं अभी ये सारा का सारा लाखों रुपए का कारखाना ले ले, इसे ये बताए कि इसमें जो आता है मटेरियल वो कहां से आता है। अगर कारखाना आता है तो मटेरियल भी तो बहुत आता है जिससे कई चीजें अंदर बनती, इसे ये पता है मटेरियल कहां से आता है। वो नलायक लड़कड़े बाकी सारी बातें जान ली थी, ये नहीं पता लगा कि ये चीजें ट्रक भर भर के कहां से आते हैं मटेरियल के। जाके जज साहब आप इसे ये कहिए ना, कितनी चीजें वहां बनती है, मटेरियल कहां से आता है, बोलो बेटे। जज ने उसी वक्त हाथ कड़ी लगवानी चाहिए, आइए लगा लो हाथ कड़ी इसको, नहीं ये मैं नहीं देख सकता, मैं बाप हूं। नलायक कहीं के बाप को भी हैरान करते हो, तुम्हें ये भी नहीं पता अगर तुमने तुम्हारी तुम्हारी फैक्ट्री है ना, कारखाना तुम्हारा है, मटेरियल कहां से आता है। मटेरियल तो पिताजी लाते, तो तुम तो कहते कारखाना मेरा है। नहीं कारखाना तो जब हथकड़ी देखी पिताजी का, देख लीजिए बस बेटे मान गए, हाँ लो मैं इन्हीं जज के सामने कारखाना तुझे देता हूं, मैंने तेरा अहंकार तोड़ना था। पिताजी कारखाना संभालो,
आप भले मेरे नाम लिख दो कारखाना, पर कारखाने जाओ मत, आपके बिना मजदूरे है। नहीं बेटे, मैं अब कारखाने में पैर भी नहीं डालूंगा, मैं अपने आप को समझूंगा मैं रिटायर हो गया, बस मुझे कोई जरूरत नहीं, मेरे पास और भी साधन है रोटी कमाने के। आपका मन कितना शांत हो जाता है। ओ मेरे बुजुर्गो, मेरे बच्चों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, करो इनकी सेवा जो भी कुछ है, लेकिन आप विश्वास कीजिए कितना मन आनंदित हो जाता है। इसी मोह ने संकल्प विकल्प बढ़ा दिए, वासना बढ़ा दी, कामना बढ़ा दी, और सबसे बड़ा नुकसान हमारा मन, जिसने अंतर्मुखी होना था वो बाहर्मुखी हो गया। और जो भगवान की जात में समा जाते हैं और जिनका जन्म मरण नहीं होता, याद रखना उनकी अवस्था भगवान ने बताई, दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक, लास्ट बट वन। बेटे लास्ट बट वन, हा जी, अंतिम से पूर्व, अंतिम श्लोक से पूर्व श्लोक। कब भगवान के दर्शन होते हैं, कब जी तर जाता है, कब? इंसा करे खाइशे विहाय कामान या सर्वान, भाई इतने शब्द के इतना ही, जो नाना प्रकार की कामनाओं से ऊपर उठ जाता है वो दोबारा नहीं आता, उसका जन्म मरण नहीं होता। परमात्मा करे इस शर्त को पूरी कर लो कि मनो इस संसार से क्या कामना बढ़ानी, कुछ नहीं बनना, एक कामना पूरी कर दो, उसी तैयार है। क्यों? हमने भी इसने समझा लिया अपने मन को, चलो कामना पूरी कर ले मन, हाँ, लेकिन कामना से तृप्ति नहीं होनी, फिर दूसरी कामना, फिर तीसरी कामना, फिर चौथी कामना है, कोई एंड भी है। पहले पढ़ाई का खपते, पढ़ाई कर दी तो कामना ना उठे, नहीं फिर कमाई का खपते, फिर कमाई होगी बड़ी अच्छी, बड़ी अच्छी तनख्वाह मिल रही है, बड़ी चंद नहीं, फिर शादी का खपते, चलो अब शादी हो गए, दो हो गए, वो भी कमाती है, वो भी कमाता, ठीक है, घर को ताला लगता है, वो भी शाम के 4 बजे आती है, हम भी 5 बजे आते हैं, चलो ठीक है, बड़ा अच्छा, फिर खपते हैं, नहीं औलाद नहीं हुई, साल हो गया है, चलो अंबी लग जाती है इस वृक्ष को, अंबी लग जाता, फिर खपते, चलो अब रब ने अंबी लगा छोड़ी, यही तो पिटाका हो गया बाबा, अंबी लग गई, अंब लग जाना चाहिए था, फिर अब अंब लगाने के लिए एक अंबी और रब ने दे छोड़ी है, फिर अब क्या भाई, से धक्के खाते रहो, फिर अबिया 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 कभी लगेगा अंब। हा है कामना खत्म, फिर मकान अपना चाहिए, पहले किराएदार का मकान तंग करते हो, फिर अपना मकान चाहिए, कोई कोई एंड नहीं, चुके मन की तृप्ति है ही, जब कामना पूरी कर रहे बुरी बात नहीं, पूरी कर लो, नहीं तृप्ति होनी कामना का दूसरा रूप, तीसरा रूप, चौथा रूप। इस तरह एक हाथ में बैठ के समझाइए अपने मन को, या तो मैं और आप आधा पौना घंटा मिलती है, आगे एक हाथ में बैठ के रात को नींद लेने से पहले समझाओ मनवा, बोल जिंदगी जा रही है, ये काया इसी तरह खत्म हो जाएगी, भगवान ने अपनी आत्मा निकाल लेनी है, शाबाश, जैसे घड़ी में से सेल निकाल दिया जाए तो घड़ी की सुइयां वहीं के वहीं रुक जाती, इसलिए भगवान की शक्ति निकल जाने के बाद ये सारे आंतरिक और बाह्य सिस्टम वहीं का वहीं स्टॉप, देन कम ऑन, दिस इज द प्रॉपर एंड हाई टाइम, दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, हम अपनी गहराई में उतर जाए मेरे सज्जनों। ओ मेरी कल्याण कामनी माताओं, मेरी बेटियों, बहुत अच्छा समय में भगवान ने दिया है अपनी बिगड़ी बनाने का, बड़ी जल्दी अपने आप को बना ले। हमें ये शब्द हमेशा चेतावनी देते रहे, कौन तरेगा, कौन तरेगा, निर्वोही तरेगा, बुरी संगत को जो छोड़ देगा, सत्संग में आके ज्ञान को जो अपना लेगा, ये नारद अनुरोध पूर्वक कह रहे हैं, जैसे कुछ जोरदार शब्दों में अपनी बेटी बेटे को समझा रहा हो, जबकि वो अंबाला छोड़ करके पढ़ने के लिए कहीं और नगर में जा रहे हो, तो बड़े जोरदार शब्दों में आप दिल्ली में जाके कहती है, आप क्षमा करना, स्टेशन पे खड़े होकर कह देते हैं, बेटे ऐसा करना, ऐसे ही करूंगा, देखना इधर उधर नहीं जाना, पिताजी मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, हर के घर में 4-4 बार समझा के आए, फिर भी पिताजी तैरा नहीं जाता, प्लेटफॉर्म पर जोर जोर से बोल के कहेंगे, काका ऐसा जी पिताजी ऐसा ही होगा। तो नारद भी इसी तरह हमारे प्यार में भरकर कितने जोरदार शब्दों में कह रहे हैं, पुरुषार्थ कीजिए, मेरे भगवान आपको जरूर शक्ति देंगे, निर्मोही बनने की चेष्टा कीजिए, प्राणी नहीं छोड़ने, पदार्थ नहीं छोड़ने, स्थान नहीं छोड़ना, ये सब कुछ आपके वहां बना रहेगा, केवल ममता की छाप छोड़ देंगे, ये मेरे गए नहीं, ये मेरे भगवान जी के, ये मेरे प्रभु के, मेरे है ही नहीं, मेरी बेवकूफी, मेरी गलती, मेरी अज्ञानता थी जो मैं कहता रहा ये मेरी है, नहीं,
ये बिल्कुल मेरे इष्ट देव जी के, बस आप खुद देख के हैरान हो जाएंगे। ममता वहां से अपनी बैठक उठा रही है। ममता तब होती जब बार बार का ये मेरे हैं, बस तब ममता शुरू हुई। ना ना प्रभु, ये सब कुछ आपका है, मैंने आज भी छोड़ जाना। फिर मन को कहना, ना मैं कुछ लाया था जन्म के समय, अंत समय ना मैं कुछ। ये वाक, ये शब्द आपके लिए बड़े गहरे उतर जाएंगे, बड़ा काम करेंगे ममता को तोड़ने में। क्या? ना मैं कुछ लाया था, ना इस जहां से कुछ ले जाऊंगा। बार बार एक हाथ में बैठ के कहना, ओ नालायक मन, जाएगा जब जहां से कुछ भी ना पास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, कुछ भी नहीं तेरे साथ जाना। बिल्कुल ये सच्चाई है, अपने आप रख लो, अपने मन में रख लो। आप करो प्रयोग, माँ जी हैं, पिता जी हैं, घर में सारे हैं, हम प्रयोग करेंगे। लेकिन लेकिन क्या लेकिन? अपना समझ के नहीं, भगवान जी की अमानत समझ कर, प्रभु की अमानत समझ के अब हम प्रयोग करेंगे। बड़ी मौज की बात, बड़ी मौज की बात। परमात्मा आपको शक्ति दे, मेरे मालिक आपको विशेष शक्ति दे, आप ऐसा ही कर सके, आप ऐसा ही बना सके, ऐसी शक्ति प्रदान करे मेरे मालिक आपको। अपने भगवान से कहा करो, मेरे मालिक मुझे निर्मोही बना दे। परमात्मा मुंह के कारण से मेरी अंदर की शक्ति सारी आप में जा रही है, सारी इस संसार में बर्बाद हो रही है, मुझे मेरे परमात्मा निर्मोही बना के मेरे से भक्ति करवा लो। गिर गिरा के आज ही रात्रि को सोने से पूर्व अपने अंतर्यामी से प्रार्थना करना, प्रभु मुझे निर्मोही बना के अपना प्यारा बना दे। सचमुच इस ममता ने बड़ी शक्ति खींच रखी है और मुझे आपका प्यारा नहीं बनने देती। सुन, सबकी सुनने वाले, मेरी भी फरियाद सुन। मैं भी फरियादी बन के तेरे दरबार में आया हूं, मेरी भी फरियाद सुन। सबकी सुनने वाले, ओ दाता, ओ दरिया दिल, ओ समुंदर दिल, वो उदार चित मेरे मालिक, मेरी भी दर्द भरी फरियाद सुन। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अपना बना लो ऐ मालिक, एक तेरा इशारा काफी है। बनाने में मालिक, हमें अपना बनाने में मालिक, एक तेरा इशारा काफी है।
है।